हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और आपके सामने खड़ी है टाटा टिगोर सीएनजी वाली। भाई इस सेगमेंट में यानी सेडान सेगमेंट में सीएनजी का ऑप्शन ना आपके पास काफी कम है। तीन गाड़ी आती है जो आपके बजट में आ जाएगी। सबसे ज्यादा सेल होती है मारुति सुजुकी की डिजायर, जैसा कि आप जान रहे हो, मैं भी कई बार कह चुका हूँ। दूसरी नंबर पर आ जाती है हुंडई ऑरा और तीसरी नंबर पर आ जाती है भाई ये टाटा की अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ यानी टिगोर आई सी एन जी। अब ये लेने जाते हो ना सबसे टॉप मॉडल यानी एक्सजेड प्लस, ये है लेदर सीट वाला, तो इसके लिए आपको लगभग 22,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो लगभग वही 10.5 लाख रुपए के करीब, 10,35,000, 10,50,000 मान लो, उतने के आपको ऑन रोड पड़ जाएंगे। लेकिन यार फीचर्स जो आपको ये टाटा ब्रांड देती है इस गाड़ी में भाई, कोई और इसके टक्कर की सी एन जी कार नहीं है। वो अलग बात है कि लोगों का ध्यान पता नहीं क्यों इसकी तरफ नहीं जाता है। आप सिर्फ फीचर्स देखते जाना भाई, आप भी कहोगे कि भाई दुनिया भर के फीचर्स है यार, जो एक रहने चाहिए ना उससे ज्यादा फीचर्स इन्होंने दे दिया है। सबसे पहले तो चाबी देख लो, गाड़ी लॉक करना है अनलॉक करना है उससे रिलेटेड है, मतलब गाड़ी लॉक या अनलॉक करोगे तो आरबीएम आपके फोल्ड अनफोल्ड होंगे, ये चीज देखो काम कर रहे हैं। इसे प्रेस करते हो तो आपके हेडलैम्प हो जाते हैं ऑन और ये मिल जाते हैं टेलीगेट अनलॉक करने से रिलेटेड। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, ये है लो बीम के लिए, ये है आपका हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर वाला, मतलब सारा नॉर्मल हैलोजन है, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे साइड में डीआरएल और फॉग लैंप, ये सारा चीज मिल जाता है, यानी हेडलैम्प में कोई कमी वाली बात है नहीं कि कभी हुआ कि फॉग लैंप कट आउट कर लिया, कभी डीआरएल नहीं दिया, लेकिन इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। पीछे साइड आते हो तो टेल लैंप आपको एलईडी वाले ये चीज मिलते हैं, इंडिकेटर आपको नॉर्मल हैलोजन वाले मिलेंगे। बाकी टाटा का लोगो हो गया टिगोर, आई सी एन जी का बैज जाता है मिल, रियर साइड में डिफॉगर भी मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और रियर कैमरा आपका ये हो गया। अब आ जाओ असल जो इस गाड़ी में चीज मिलने वाला है वो है भाई यही सी एन जी। सेडान के साथ ना एक अलग पॉजिटिव साइड चला जाता है अगर आप सी एन जी लेते हो तो, जैसे कि यहाँ पर देख लो दो बैग रखे हुए ऐसे ऐसे ना, अभी 3-4 बैग भाई आराम से और आ जाएंगे, तो बूट स्पेस आपकी मार नहीं खाती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो कंप्लेन है वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ पर है, ये भाई क्या है खुला खुला सा दे देते हैं, तो ये थोड़ा गंदा लगता है। अब आते हो साइड में, गाड़ी की लेंथ वेंथ भी सही है, सेगमेंट में जितने सारे लोग देते हैं उतने देते हैं। टैंक कैपेसिटी आपको लगभग 30 से 35 लीटर का करीब का मिलता है, और जो इसमें सीएनजी फ्यूल होगा वो 60 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। सेंट्री का सेंसर मिल जाता है क्रोम कलर का, यहाँ पर पट्टी मिल जाएगा, इस जगह डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं क्रोम कलर के, और पियानो ब्लैक कलर का ओआरबीएम मिलता है इंडिकेटर के साथ। इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल इस जगह मिलता है, मतलब चाबी लगाने का भाई कोई झंझट है नहीं, चाबी को साइड रख दो। वन टच डाउन मिल जाता है ड्राइवर साइड वाला, वन टच अप नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको वन टच डाउन मिलता है। एक चीज रह गया बताने को भाई, ग्राउंड क्लियरेंस आप पेट्रोल वाला लेते हो तो 170 mm का है, सीएनजी वाला लेते हो तो भाई वजन थोड़ा बढ़ जाता है ना, इस वजह से 5 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग जाता है कम हो। इसमें आपको मिलता है 165 mm का, टायर साइज 175/65 R14 इंच का। देखो सीएनजी में टॉप वेरियंट लोगे एलाई व्हील नहीं मिलेंगे, हालांकि डिजाइन आपको बेसक से मिल जाए, लेकिन ये मिल जाते हैं व्हील कैप वाले चीज। अब इंटीरियर में आते हैं, ड्राइवर वाले सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर बैठते हो भाई। अब ये लेदर वाला लेने का बताता हूँ फायदे, आपको 20-25 हजार जो भी बेसक से एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन लेदर वाला आपको सीट यहाँ पर मिल जाता है। ये सारा जो सीट्स है ना भाई 22,000 रुपये सही है, अभी का टाइम अगर आप नॉर्मल कवर भी लगवाने जाओगे ना 10-15 हजार भाई अच्छे कवर का लग जाता है, लेकिन ये कंपनी वाले लगा के देते हैं। स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप्ड मिल जाता है, और क्या चाहिए, ऑटो हेडलैम्प ले लो, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर ले लो, ऑटोमेटिक एसी के मजे लो भाई, हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, ये चीज़ के भी मजे लो। सीएनजी से आपको मोड चेंज करना है वो चीज़ यहाँ से होगा, टेलगेट ओपन करना वो चीज़ यहाँ से होगा, डोर लॉक अनलॉक ये चीज़ हो गया, और ये फॉग लैंप ऑन करने से रिलेटेड। अब हार्मन का आपको टच स्क्रीन के साथ साथ ना यहाँ पर देख रहे हो स्पीकर, ट्विटर भाई, टोटल 4 ट्विटर 4 स्पीकर्स 8 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है यार, गाना सुनोगे ना तो भाई स्वाद सा आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलता है। तो ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ऑटो हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारे चीज़ यार जल्दी कोई नहीं देने वाले हैं आपको इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस में।
यहाँ हो गए आपकी मैनुअल वाली IRVM, वैनिटी मिरर, इस साइड आपको वैनिटी मिरर, अच्छा इस साइड भी भाई मिल जाते हैं, मुझे लगा नहीं मिलेगा। बाकी ग्लोव बॉक्स तो यार इतने बड़े से साइज का, और साथ में कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है। मैनुअल 5 स्पीड का गियर लीवर हो गया, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 बोतल होल्डर, भाई कमी कुछ रह जाती है वो रह जाती है इसके आर्म रेस्ट को लेके। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, और दूसरा कमी आपको बताते हैं वो चीज रह जाता है इसके पीछे साइड में, भाई एसी वेंट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर भी स्पीकर, ट्विटर, सारा चीज मिल जाएगा। ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, लेकिन ये फिक्स्ड वाला मिलता है, और बीच में आपको मिल जाते हैं भाई आर्म रेस्ट 2 बोतल होल्डर के साथ। तो फीचर्स के मामले में ये सारा चीज मिल जाता है। MID जो है, MID आपको मिल जाएगा। फ्यूल लेवल इंडिकेटर हो गया, ये CNG कितना लेवल है वो चीज़ यहाँ पर। टैकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, इसे आपको चेंज करना है तो भाई ये दो इसके कंट्रोल्स मिलते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया भाई, TPMS भी मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हो तो एक मिनट, ये हो गया आपका बाहर साइड का टेम्परेचर, TRIP A TRIP B, यही सारा चीज़ मिल जाता है। चलो TPMS मिल जा रहा है, ये सही चीज़ है, मतलब काम लायक जो फीचर है वो मिल जाता है। ऊपर साइड में रीडिंग लैंप आपको मिल जाएंगे LED वाले। और अब बात बच रहा है थोड़ा इसके इंजन को लेकर। अब ये जो आप इंजन देख रहे हो ये है अपना 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। नॉर्मल पेट्रोल मोड पे यूज करोगे तो ये अपने को 86 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क डिलीवर कर देता है, लेकिन अगर आप CNG मोड में यूज करोगे तो ये 73.5 PS का पावर और 95 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। और ऊपर साइड में यहाँ पर पैडिंग वैडिंग मिल जाता है आपको सारा चीज। भाई कैसी लगती है आपको ये टाटा टिगोर CNG वाली, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। भाई मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक ड्राइव सेफ, पीस सेफ।